कोरोना काल में दुनिया की तीन महाशक्तियां महायुद्ध की तैयारी में जुट गई है। चीन, अमेरिका और रूस का कोरोना काल में युद्ध का खतरनाक प्लान बन रहा है। अमेरिका ने चीन को महामारी पर सजा देने की पहले ही ठान ली है। अब कोरोना अगर अमेरिका और चीन में जंग कराएगा तो जाहिर है इस महायुद्ध में रूस की भी एंट्री जरूर होगी। इसलिए रूस ने अभी से ही अपनी ताकत को बढ़ाना शुरू कर दिया है। रूस सिर्फ सैन्य ताकत ही नहीं बढ़ा रहा बल्कि दुनिया में तबाही लाने वाले बम को भी बनाना शुरू कर चुका है। दरअसल रूस से आ रही बड़ी खबर ये है कि कोरोना वायरस संकट के बीच में रूस ने दुनिया के सबसे बड़े बम का डिजाइन तैयार किया। रूस ने अमेरिका समेत पश्चिमी देशों के खतरे को देखते हुए महाविनाशक बम बनाना शुरू कर दिया। इस महाबम को रूस की अंतर महाद्वीपीय स्किफ मिसाइली में लगाया जाएगा। रूस का मानना है कि ये बम उसके बचाव का ब्रह्मास्त्र होगा जिसे वो आखिरी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेगा। ये है बम की खासियतें। ये महाबम 25 मीटर लंबा और 100 टन वजनी है। इस बम को समुद्र में उतारने के लिए एक विशेष जहाज की जरूरत पड़ती है। समुद्र की सतह से 3000 फीट नीचे ये महाबम कई साल तक यूं ही पड़ा रह सकता है। स्किफ मिसाइली पर लगा ये बम सिंथेटिक रेडियोधर्मी तत्व कोबाल 60 के इस्तेमाल से समुद्र के बड़े हिस्से और उसके तटों में तबाही ला सकता है। इस बम के साथ स्किफ मिसाइली 6000 किलोमीटर दूर तक मार सकता है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने ठिकाने पर निशाना लगा सकता है। जाहिर है कि इस बम को बनाने के पीछे रूस का खतरनाक संदेश ये है कि रूस से कोई पंगा लेने के बारे में सोचे ना। अगर किसी भी पश्चिमी देश ने रूस पर अटैक करने की कोशिश की तो रूस उस दुश्मन का नामो निशान मिटा सकता है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।